अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों बच्चों लेक्चर 4 हमने ख़त्म किया था। इसके अंदर हमने डायमेंशंस देखा था। डायमेंशंस में और एक हिस्सा हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर का है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि स्टैंडर्ड 11 का है। बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट अगर आपको मालूम नहीं है तो आगे हम लेसन्स में हम पढ़ेंगे। इसको हम कैपिटल जी से जानते हैं, ठीक है। वो स्मॉल जी वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक फार्मूला बच्चों जो कि सर्कुलर मोशन या ग्रेविटेशन लेसन में हम देखेंगे, एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू बाय आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे बना है अगर देखते हैं तो, जैसे यहाँ पर एक दो बॉल है, समझो लोहे के कुछ ऐसे दो बॉल हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम आर से लिखते, इसको हम एम वन बोलते हैं और इसको एम टू बोलते हैं। ये पूरी तफसील है, खैर उसको बाद में देखेंगे, लेकिन आप याद रखना कि ये फार्मूला है, एफ फोर्स है, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये एम मास है और ये रेडियस, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स। अब बच्चों ये फार्मूले का से हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालना है तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि भाई ये जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो वैल्यूज है इनको इधर लाना होगा। कैसा? आर स्क्वायर को इधर ला लो, डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद बचा जी एम वन इंटू एम टू, ये हो गया। अब बच्चों हमको जी की वैल्यू निकालनी है तो ये एम वन एम टू को हटा देना पड़ेगा। एम वन एम टू मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको हटाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा। तो एफ आर स्क्वायर अपन एम वन इंटू एम टू इक्वल टू जी, ये वैल्यू होगी बच्चों जी इक्वल टू। अब हम इसके डायमेंशंस निकाल रहे हैं, ये जी वैसी रख दिए। बच्चों फोर्स, पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो देख लो, उसके अंदर हमने फोर्स का डायमेंशंस निकाले थे। तो वो डायमेंशन क्या था? डायमेंशन है बच्चों L1 M1 T माइनस 2, ये फोर्स का हमने निकाला था, देख लेना बच्चों, ये आपको याद भी होगा वैसे। अब आ जाएंगे R, R डिस्टेंस से ताल्लुक रखता, तो इसलिए हमने लिखा लेंथ और इसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं, इसका पावर 1 ले रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर में इसलिए इसको स्क्वायर किया हमने, ठीक है। इसके बाद डिवाइडेड बाय, ये मास है, मास तो ले लिया लेकिन इसका एक ही है, कुछ भी बाय पावर नहीं, इसलिए हमने 1 लिया, और ये भी मास एक है इसलिए 1 लिया। अब यहाँ पे L और T हमने अवॉइड किया, क्यों अवॉइड किया? क्योंकि L 0 है, T 0 है, इसलिए हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखो और से, ये M1 और ये M1 को हम इजीली कट कर सकते हैं, तो ये दोनों कट गए, तो L1 बचा, T माइनस 2 बचा, और L1 1 इंटू 2 2 और ये M1 बचा। अब आ जाइए इधर, जी इक्वल टू ये मैंने आपसे कहा था डिवाइड की वैल्यू अगर नीचे से ऊपर ला रहे हैं तो माइनस, लेकिन इधर से इसको दोनों को अगर मिलाना हो तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बीच में है तो मल्टीप्लाई करना है तो प्लस होता है, ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये 1 प्लस 2, ये M1 है ऊपर आकर माइनस 1, और T माइनस 2 ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लिखा है तो हमने यहाँ लिख दिया। अब बच्चों जी इक्वल टू ये L 1 प्लस 2 क्या होता है 3, M माइनस 1 T माइनस 2, तो ये हमारे पास ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला है। बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला याद रखना, इसकी तफसील ग्रेविटेशन जब लेसन पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने 10 में पढ़ा है लेसन ग्रेविटेशन, उसमें ये वर्ड आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। आइए इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे क्या होता है, मैं बताता हूँ अभी, देखिए। आइए बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। एनालाइज करना का मतलब होता है बच्चों वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ये सही है कि गलत वो देखना है। तो हम देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। बच्चों इसमें हम क्या करने वाले हैं, फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो आपको पता है बच्चों, लीनियर वी इक्वल टू यू प्लस 18। अब बच्चों इस इक्वेशन में इसको करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट कैसा देखते हैं, हम कब देख सकते हैं? जब तमाम इक्वेशंस के डायमेंशंस एक हो, वेलोसिटी का भी वही, यू का भी वही, एटी का भी वही। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यू क्या है, इधर देखो, दूसरे काम छोड़ो तो वजह दो, ठीक है। अब आ जाएंगे वी, ये यू क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई रफ्तार। जैसे अगर कोई कार को आप ढकल रहे हैं, कार आगे जा रही है, तो शुरुआत की स्पीड क्या रहती है इसकी? यू। वेलोसिटी कुछ भी नहीं रहती, जीरो, इसलिए इसको हम बताते हैं यू। अब आ जाएंगे वी, जो कि उसकी स्पीड जब गाड़ी पकड़ लेती है, गाड़ी निकल जाती है, तो उसको हम क्या बताते हैं बच्चों?
फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, दोनों भी वेलोसिटी हैं। तो जब वेलोसिटी का डायमेंशन हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 में हमने देखा, वही यहाँ पे लेक्चर हम लिख रहे हैं L1 m0 t-1। वैसे ही u भी वेलोसिटी ही होती है, इसलिए इसका भी डायमेंशन सेम रहेगा L1 m0 t-1। अब आ जाओ बच्चों एक्सेलरेशन पे, उसका भी हमने डायमेंशन देखा L1 m0 t-2। टाइम L0 m0, खाली t बचता है इसलिए t1 मैंने डायरेक्ट ले लिया। अब ये एक वे देखो, इन दोनों को, इसका भी डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है। अब देख लेते हैं ये जो ए टी है इनका डायमेंशन सेम आता है क्या। अगर इनका डायमेंशन, ये दोनों तो सेम मिल रहे, इनका भी डायमेंशन इनके जैसी आता है, तो हमारा ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट बोलकर हम बोल सकते हैं। ओके, आ जाएंगे ए टी पे। ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैंने लिख दिया बच्चों सेम डायमेंशन L1 m0 t-2, और टाइम का, टी का क्या है बच्चों, t1। अब आपको पता है ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है तो ये इनसे प्लस होगा, तो हमने लिख दिया L1 m0 t-2 लिख दिए, साथ में ये इसको हमने यहाँ ले लिया मल्टीप्लाई, इसलिए प्लस वन, माइनस टू प्लस वन क्या होता है बच्चे, माइनस वन। तो हमने लिखा L1 m0 t-1। अब जरा इस इक्वेशन को, इस डायमेंशन को इससे कंपेयर करो, L1 m0 t-1, L1 m0 t-1, यू से कंपेयर करो L1 m0 t-1, L1 m0 t-1। इसका मतलब वी का भी यू का भी, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी डायमेंशन सेम आ रहे, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसे कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट। बस समझ में आए बच्चों, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, अगला इक्वेशन देखेंगे। अब आ जाइए बच्चों सेकंड इक्वेशन पे, s = ut + ½ at². अब ये इक्वेशन को देखो, ये काइनेमेटिकली करेक्ट इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन करेक्ट है काइनेमेटिकली। अब बच्चों इन ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या वो देख रहे हैं। डायमेंशनली करेक्ट देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे s, ये लंबाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये s की लंबाई हम बता रहे, तो lmt लिख रहे, लंबाई में लेंथ आ जाता इसलिए l1 कर रहे, मास नहीं आता टाइम नहीं आता इसलिए 0 0 दे दिए। ओके, अब आ जाएंगे बच्चों ut, ये ut की तरफ गए। u इनिशियल वेलोसिटी, अभी कहा मैंने इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है L1 m0 t-1, और साथ में टाइम है इसलिए टी हमने क्या लिया 1। बच्चों अब इसको ज़्यादा तफसील में डिटेल में जाने जाते हुए डायरेक्ट हम कर देंगे ut = L1 तो लिख दिया, m0 लिख दिया, ये -1 ये +1, ये टी की वैल्यू -1 + 1 क्या होता है 0, तो L1 m0 t-0 ये वैल्यू मिल गई। अब आ जाते हैं बच्चों ½ at². पिछले मैंने लेक्चर 4 में काइनेटिक इक्वेशन का मैंने फार्मूला में लिखा था, तो उसके अंदर मैंने वैल्यू निकाल लिया था हाफ की, तो वैसे यहाँ पर भी हाफ की वैल्यू को ना देखते हुए at को देखो खाली आप, ठीक है, ये नंबर को हटा देना, at को देखना। अब यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन, हाफ को तो निकाल दिया हमने, एक्सेलरेशन में क्या करें L1 m0 t-2, ये इसका डायमेंशन है, t का ये 1 ले लिए लेकिन ऑलरेडी स्क्वायर है इसलिए 2 ले लिए। अब बच्चों L1 m0 t-2 लिखा, 1 × 2 = 2, L1 m0 t क्या लिखे बच्चे, t - 2 + 2 = 0, तो क्या मिला हमारे को L1 m0 t-0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिल रहा, अब यहाँ पे देख लो, ये L1 m0 t-0, ये ut का वैल्यू L1 m0 t-0, इस हाफ at स्क्वायर में L1 m0 t-0, ये तीनों को देखो, तीनों भी करेक्ट है, लिहाजा दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, अब आ जाएंगे बच्चों इस इक्वेशन पे, ये काइनेमेटिकली इनकरेक्ट इक्वेशन है, अपने तौर पे ऐसी वैल्यू डालकर हमने लिख दिया, ये फार्मूला अपने तौर पे लिख दिया। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं इसके हिसाब से, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये काइनेमेटिकली करेक्ट इक्वेशन है, ये काइनेमेटिकली इनकरेक्ट इक्वेशन है। अब आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, लंबाई आ गई L1, इसमें मास नहीं है तो 0, टाइम नहीं है इसलिए t0। अब आ जाएंगे इस इक्वेशन में 3ut पे, 3ut तो मैंने लिख दिया = देखो बच्चों इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी का ये डायमेंशन है L1 m0 t-1, और टाइम हमने लिया t1, ठीक है, L1 m0 - 1 + 1 = 0, तो t0 मिल गया। अब आ जाएंगे 5at² पे,
ये फाइव को निकाल देते हैं, जैसे यहाँ से थ्री को निकाले वैसे फाइव को निकाल देंगे, ये ए टी की तरफ आएंगे। ए यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ये डायमेंशन है या तो आपको पता है, पूरा पढ़ने की जरूरत है क्या? शाबाश, नहीं है। इसके बाद टी वन ले लिए, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करें, क्या करना चाहिए बोलो बच्चों अभी? हाँ, ये वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल वन एम जीरो टी माइनस टू, वन इंटू टू टू, फिर ये एल वन एम जीरो टी माइनस टू प्लस टू जीरो। अब देखो यहाँ पे तीनों सेम आ रहे हैं क्या, एल वन एम जीरो टी जीरो, एल वन एम जीरो टी जीरो, एल वन एम जीरो टी जीरो। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस है डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन काइनेटिकली इनकरेक्ट है, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये एक सादा सी फॉर्मूला बनाकर देखे थे हमने, ये भी और ये भी दोनों भी डायमेंशनली करेक्ट है। बच्चों को डाउट है क्या इसमें? ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत इजी है, थोड़ा दिलचस्पी इंटरेस्ट से लो, बहुत अच्छे से पढ़ने आएगा। स्क्रीनशॉट लो, अगला इक्वेशन देखेंगे। आइए बच्चों चौथा इक्वेशन देख लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये भी फार्मूला आपको पता है। अब इसके हम डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो देख लेंगे। अब आप खुद सोचना, सब लिखा है सामने फिर भी देख लेना कि भाई हमको सबसे पहले किसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी का। तो v, लेकिन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखे। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या बेटा? एल वन एम जीरो टी माइनस वन, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करें। अगला स्टेप क्या रहेगा? इस टू से सबको मल्टीप्लाई, हो गया वन इंटू टू टू, एम जीरो इंटू टू जीरो, माइनस वन इंटू टू माइनस टू। चलिए हमारे को इस वी स्क्वायर का डायमेंशन तो मिल गया, एल स्क्वायर एम जीरो टी माइनस टू। अब आ जाएंगे यू स्क्वायर पे, ये भी तो वेलोसिटी है, सेम वही रहेगा, डायमेंशन तो सेम है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिखे, टू से सबको मल्टीप्लाई करें। सेम दोनों भी देखो, ये भी डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों करेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं? सेम दिख रहे हैं ना। चलो आ जाते हैं बच्चों टू ए एस के ऊपर, टू ए एस में किसको हटाएंगे? टू को, क्या बचा? ए एस। तो क्या लेंगे बच्चों? एल वन एम जीरो टी माइनस टू, किसका डायमेंशन है? एक्सीलरेशन का, ठीक है। ये हमने लिया एल वन एम जीरो टी माइनस टू, स्क्वायर स्क्वायर है क्या? नहीं है, ये एस आ गया, एस बोल तो लेंथ एल वन। अब एम टी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि दोनों जीरो है, छोड़ दिए। अब दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो प्लस होना चाहिए, वन ये एल वन, एल वन वन प्लस वन टू, एम जीरो टी माइनस टू। अब कंपेयर करो इनसे इसको, एल टू एम जीरो टी माइनस टू, यानी तीनों भी करेक्ट है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है रे बच्चे? डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। समझ में आएगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो रेड बटन नीचे जो सब्सक्राइब का लिखा है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्त जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।